हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आप लोगों को ब्राउज़र की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे दोस्तों, आप लोगों के मोबाइल में ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र रहता है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या रहता है कि एरर का ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और वेबसाइट ओपन नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ब्राउज़र एप्लीकेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग मिल जाएंगी, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लुक भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये ब्राउज़र मेड इन इंडियन ब्राउज़र है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसी ब्राउज़र का रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने ब्राउज़र पे ओपन हो जाता हूँ। तो दोस्तों, इस ब्राउज़र का नाम ओपरा टच ब्राउज़र है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, इसमें आपको कोई भी एरर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे देता है। आप जो भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, आप आसानी से सर्च कर सकते हो। ठीक दोस्तों, और ये काफ़ी एक ही क्लिक के माध्यम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप बैक आओगे तो यहाँ पे ओपरा सेटिंग पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे इसमें माई फॉलो हो गया, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें आपका हिस्ट्री दिखाएगा जो आप इसमें सर्च किए होंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें आपको प्राइवेट मोड दे देता है। इसमें जैसे कि आप कोई भी चीज़ प्राइवेट रखना चाहते हो तो आप उसको भी इसमें सेव करके रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन का बटन दे देता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद जब आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। जैसे कि इसमें आपको डार्क मोड का ऑप्शन दे देता है। ठीक दोस्तों, ऐड ब्लॉगिंग का दे देता है। जैसे कि अदर ब्राउज़र पर ऐड आती है तो आप इसमें ऐड को पहले ही ऑन रहेगा तो आपको सिंपल ऑफ़ कर देना है। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको कोई भी सेटिंग पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है और ये काफ़ी फास्ट ओपन होता है। इसमें आपको सभी सर्विस मिल जाएंगी, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया। आपको जो भी इसमें सर्विस चाहिए, इसमें काफ़ी आसानी से खुल जाती है। और अगर आप कोई भी मूवी वूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप काफ़ी आसानी से मूवी भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें जैसे दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन ऑप्शन दे देता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कोई आ जाता है एरर उरर का ऑप्शन, तो आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे तो आप आसानी से कट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर से इस ब्राउज़र एप्लीकेशन को यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे मूवी डाउनलोड करके तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम क्या है कि स्ट्राइक दे देता है कॉपीराइट। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, इसमें काफ़ी एक ही क्लिक के माध्यम से काफ़ी अच्छा ओपन हो जाता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सिंपल एक ही क्लिक के माध्यम से काफ़ी अच्छा ओपन कर सकते हो। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, तो आप एक बार ज़रूर इस ब्राउज़र को ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल दिया, मैं वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि दोस्तों अब इस टाइम कॉपीराइट ज़्यादा आने लगी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही क्लिक के माध्यम से काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्राउजरिंग कर रहा है। तो आप सिर्फ एक ही क्लिक के माध्यम से यहाँ पे ब्राउज़र कर सकते हो। ठीक दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी ब्राउज़र एप्लीकेशन है, ये क्रोम ब्राउज़र से काफ़ी अच्छा है। ठीक दोस्तों, तो एक बार ज़रूर इस एप्लीकेशन को ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।